हेलो दोस्तों, मैं अर्चना रघुवंशी और मैं लेकर आई हूँ द एक्टिंग हाउस शो, जिसमें इस बार का हमारा टॉपिक होएगा आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो आर्टिस्ट कार्ड के बारे में हमारे को बताने के लिए हमारे शो पर आए हैं सीटू शर्मा जी। तो सर, आप बताइए कि आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। आर्टिस्ट कार्ड क्या है मैम? एक पहचान है, आइडेंटिटी। किसी भी आर्टिस्ट या स्टूडेंट या फिर किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, तो पहचान पत्र जरूरी होता है वर्क करने के लिए, कि आप इस इंडस्ट्री में क्या हो, किस वर्क पर हो। जब तक पहचान पत्र आपके पास नहीं होगा, कोई आपको पहचानेगा ही नहीं आपके कार्य को और आपको। तो आर्टिस्ट कार्ड के लिए क्या है कि जो आर्टिस्ट कार्ड बनता है, उससे आर्टिस्ट को बेनिफिट्स भी मिलते हैं काफ़ी। कहीं भी वर्क के लिए जाता है तो आर्टिस्ट कार्ड के द्वारा जो एसोसिएशन से उसका जो कार्ड बनता है, वो एसोसिएशन या फिर इंडस्ट्री के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एसोसिएट आर्टिस्ट रहता है ना। और जो फ्रीलांस विदाउट आर्टिस्ट कार्ड के करेगा, उसके लिए कहीं सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो तो फ्रीलांस है, जैसे लेबर वर्ग या फिर वैसे समझ लो उसको। तो हाँ, एक प्रोफेशनल और विदाउट प्रोफेशनल आर्टिस्ट या एक्टर अलग ही दिखता है, कार्ड से ही पता चलेगा ना उसका कि ये प्रोफेशनल है इंडस्ट्री के लिए या नॉन प्रोफेशनल है। और उसमें आर्टिस्ट कार्ड के द्वारा जैसे कि कहीं भी शूट करने जाते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है आर्टिस्ट के साथ में, तो आर्टिस्ट तो वो जिस एसोसिएशन से उसका कार्ड बनता है वो उसको सपोर्ट करती है। जैसे कि मृत्यु हो जाए या फिर कोई भी दुर्घटना उसके साथ होती है, विकलांगता वगैरह एक्स वाई जेड, तो जो एसोसिएशन होगी उसका पूरा सपोर्ट करती है अपने आर्टिस्ट का। या फिर कहीं भी शूट पे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उसका पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पर, तो वो उसको सपोर्ट करेगी। अगर कार्ड नहीं होगा तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं है, आप किस से जुड़े हो, क्या है, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा। तो आर्टिस्ट कार्ड इसलिए ज़रूरी है। बट आर्टिस्ट कार्ड को क्या है कि आजकल काफ़ी फ्रॉड एजेंसियां वगैरह चल रही हैं, जो कि खुद आर्टिस्टों के साथ स्कैम करती हैं, बना के दे देती हैं, जो कि कहीं मान्य नहीं होता है। आर्टिस्ट कार्ड या तो फिर अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एसोसिएशन है फिल्म इंडस्ट्री की, उससे बनवाना चाहिए, या फिर फिल्म इंडस्ट्री की जो भी रजिस्टर्ड है एजेंसी है उससे बनवाना चाहिए एसोसिएशन, जो कि 1926 एक्ट के तहत आती है। बस ये उसको चेक करके आर्टिस्ट कार्ड बनवाना चाहिए, और आर्टिस्ट कार्ड बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। तो इसको बनवाने के लिए मतलब क्या कुछ डॉक्यूमेंट, खर्चा क्या कुछ होता है, कैसे बनवाया जाए, क्योंकि पता ही नहीं होता ना कितनों को कि आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है, तो कैसे बनवाएं इसके लिए। मैम देखिए, फर्स्ट तो ये, अगर कोई भी इंडस्ट्री में आता है, अप्लाई करता है, तो उसको आने से पहले सारी चीज़ें जान लेना चाहिए कि इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या नीड होती है, क्या नहीं होती है, और क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कैसे जाते हैं। जब तक नॉलेज ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ में जाने से कोई प्रॉफिट ही नहीं है ना। और वो ये शो करता है कि आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हो, सिर्फ आप टाइम पास के लिए आए हो इंडस्ट्री में। आपका इंटरेस्ट तो जब ही शो करेगा ना, जब आप नॉलेज लेके जाओगे चीज़ों की। हाँ, जो तो है प्रॉपर तरीके से तभी देखेगा। और कार्ड के लिए तो ऐसा है कि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कार्ड के लिए। कार्ड एसोसिएशन से जब बनवाते हैं तो नॉर्मल जो कार्ड है वो 2000 के समथिंग बनता है अप्लाई करते हैं तो, और जो बड़ा है वो चूँकि एक्सपीरियंस हो जाता है जब बनवाना चाहिए, वो जिसका नाम है सेंटा, तो वो 10 प्लस के बनता है, 10 के प्लस का, 10,000 से ऊपर का आर्टिस्ट का। बाद बाकी तो ये 2000 वाला काफ़ी रहता है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री साइन एसोसिएशन करके है उसका बनता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, बस ये आधार कार्ड। और तो कोई टाइम लिमिट तो नहीं होती होगी इनकी कि रिनो वगैरह कराना पड़े आगे? जी मैम, 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का होता है, और जो सिंटा का होता है वो 1 ईयर 3 ईयर का होता है। मतलब यही है कि अगर हमें जाना है एक्टिंग में, मतलब दिखाना है, हाँ हमें हम भी इस लाइन में है, कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूरी है ना एक्टिंग का।
मैम देखिए, कार्ड तो जरूरी है अगर सेफ्टी के लिए। आपको अपनी पहचान बनानी है तो कार्ड तो होना ही चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, दिखाओगे तो कुछ चीज़ों को कि हम ये हैं। अब आर्टिस्ट कार्ड के लिए काफ़ी कास्टिंग वाले भी हैं और आर्टिस्ट मॉडल्स भी हैं, वो भी बोलते हैं कि कार्ड की नीड नहीं होती है। लेकिन जी नीड कहाँ नहीं होती है, अगर आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे कि कोई यूट्यूब का काफ़ी प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, तो जी उनका वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आर्टिस्ट कार्ड की नीड इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही 1 से 2 दिन का होगा हाँ जी और छोटा रोल होगा आपका, इतना कोई बड़ा भी नहीं होगा, तो उसके लिए नहीं नीड है। बाद बाकी आप किसी बड़े प्रोडक्शन के साथ बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो उसके लिए पहचान तो जरूरी है ना, आर्टिस्ट कार्ड की जी नीड जी होगी। विदाउट उसके कैसे पता चलेगा कि आप आर्टिस्ट हो या फिर जूनियर सीनियर या क्या कैरेक्टर है। और उसके एंट्री भी कार्ड के द्वारा आपकी होगी, क्योंकि कार्ड दिखाओगे जभी तो वहाँ एंट्री होती है रोजाना शूट पर। जी तो आर्टिस्ट कार्ड अच्छा है, विदाउट आर्टिस्ट कार्ड के वर्क करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी लॉस होता है तो कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा उसके आपको, और जी कोई महंगा भी नहीं है। जब कुछ वर्क करना है तो चीज़ें तो आप करनी पड़ेंगी ना। बाद बाकी तो स्कैम वाले सारे फ्रॉड वाले आर्टिस्ट मॉडल्स को भड़काते हैं, जो अगर बोलते हैं कार्ड नहीं है तो उन वर्क भी देना चाहिए ना उनको, विदाउट कार्ड के वर्क भी दो। हाँ, मतलब उसे उनकी एक पहचान हो जाती है रियल की, है ना। हाँ, पहचान हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे मना कर दूं कि आर्टिस्ट कार्ड की कोई नीड नहीं है, अगर मैं आपसे मना कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है ना कि मैं आपको वर्क भी दूं। मैं जी आपको बोल दूं कार्ड की नीड नहीं है और वर्क भी ना दूं, तो आप तो जी अटक गए ना, ये स्कैम ही तो हो गया आपके साथ। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है कि आर्टिस्ट कार्ड कैसे बनवाना है, क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन है इसको लेके, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू।